एक नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले कि आप एक वीडियो क्रिएटर हैं, तो अगर आप अपने चैनल को मोनेटाइज करना चाहते हैं तो आप तो यहाँ पे दोस्तों आपको टू स्टेप वेरिफिकेशन को इनेबल करना होगा, वरना आपका चैनल जो मोनेटाइज नहीं होगा। तो वीडियो काफी हेल्पफुल होने वाली है, लाइक कर दीजिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं टेक्निक राजकुमार। तो दोस्तों, यूट्यूब टिप्स या टेक रिलेटेड किसी क्वेश्चन से साथ तो दीजिए इस चैनल पर ध्यान। आपने हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर फॉलो कर सकते हैं। आपके पास कोई सवाल या सुझाव तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम जान लेते कि हमें जो है टू स्टेप वेरिफिकेशन को इनेबल क्यों करना है एंड इसके क्या फायदे हैं। अगर आप एक वीडियो क्रिएटर हो तो यहाँ पे आपको अब टू स्टेप वेरिफिकेशन जो है कंपलसरी इनेबल करना होगा, क्योंकि अगर आप जब तक यहाँ पे इनेबल नहीं करेंगे तो आपका चैनल जो मोनेटाइज नहीं होगा। एंड यहाँ पे इसके फायदे दोस्तों, यहाँ पे का जो अकाउंट आसानी से हैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप जो सिक्योरिटी जीमेल ऐड करते हैं या आपके अकाउंट को लॉग इन करने के लिए एक कोड जाएगा और ये आपकी रिकवरी जीमेल पे जाएगा, जहाँ पे आपको उस कोड को इंटर करके आप जो आप अकाउंट को एक्सेस कर पाएंगे। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेटिंग है अगर आप एक वीडियो क्रिएटर हैं और आप चाहते हैं कि आप अपने अकाउंट को और भी ज़्यादा सिक्योर कर सके। तो उसके लिए दोस्तों, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपल सा स्टेप है, चलिए जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पे फ़ोन की सेटिंग को ओपन कर लेंगे एंड यहाँ पे दोस्तों नीचे स्क्रॉल करके आ जाएंगे गूगल के ऑप्शन पे। गूगल के ऊपर हमें टाइप कर देना होगा। टाइप करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे आपका जो रिजल्ट, एंड यहाँ पे दोस्तों आप जो है उस जीमेल को सिलेक्ट कर लेंगे जिस पर आप टू स्टेप वेरिफिकेशन लगाना चाहते हैं, आपका जिस जीमेल से आपका यूट्यूब चैनल है। तो मान लो ये जीमेल है जिस पर हमें यूज करना है और हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे क्या करना है, मैनेज योर गूगल अकाउंट के पे टाइप करेंगे एंड यहाँ पे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। एंड यहाँ पे दोस्तों पर्सनल इन्फॉर्मेशन मिल जाता है एंड यहाँ पे डाटा एंड प्राइवेसी का ऑप्शन मिल जाएगा एंड यहाँ इसके बाद आपको सिक्योरिटी का ऑप्शन मिल जाएगा। तो हमें सिक्योरिटी के ऊपर टाइप कर देना है। टाइप करने बाद दोस्तों, यहाँ पे आप योर अकाउंट इज प्रोटेक्टेड, यहाँ पे दोस्तों इस तरह से आपको अगर आप जो है इसका यूज करते हैं तो यहाँ पे आप अपने अकाउंट को और भी ज़्यादा प्रोटेक्ट कर सकते हैं, यानी सिक्योर कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों करना क्या, हाउ इज साइनिंग टू गूगल, यहाँ पे आप दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन देखने को मिल जाएगा टू स्टेप वेरिफिकेशन। यहाँ पे दोस्तों टू स्टेप वेरिफिकेशन इज ऑफ है, तो यहाँ पे इसके ऊपर हमें टैप कर देना है। टैप करने के बाद दोस्तों एक नया इंटरफेस कुछ इस तरह से ओपन होएगा। यहाँ पे देख प्रोटेक्ट योर अकाउंट विद इन टू स्टेप वेरिफिकेशन, यहाँ पे अपने अकाउंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं टू स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन करके। यहाँ पे ऑन करने दोस्तों गेट स्टार्ट बटन की क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे यू आर यूजिंग योर फोन टू साइन इन, यहाँ पे दोस्तों क्या यू आर करेंटली यूजिंग योर फोन टू साइनिंग टर्निंग ऑन टू स्टेप वेरिफिकेशन विल टर्न इज ऑफ योर अकाउंट, आर यू श्योर दैट यू विल लाइक टू प्रोसीड, यहाँ पे ओके कर देना होगा दोस्तों। ओके करेंगे एंड दोस्तों ये एक नया इंटरफेस हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों क्या करना है, आपको अपना पासवर्ड इंटर कर देना है। चलिए मैं पासवर्ड को इंटर कर देता हूँ, यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे आपको एक जो है नंबर फील्ड कर देना है जिस पे आप जो है कोड को ले सकें। तो टेक्स्ट मैसेज मैंने सेलेक्ट लिया एंड पे सेंड के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेसिंग हो रहा है, वेट करेंगे एंड यहाँ पे आपको एक कोड आएगा, तो कोड आपको यहाँ पे इंटर कर देना होगा। जैसे कोड यहाँ पे आ चुका दोस्तों, यहाँ पे मैंने कोड को इंटर कर दिया एंड यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर हमें क्लिक कर देना होगा। एंड यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं टर्न ऑन यानी टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन हो चुका है, और अगर आप यहाँ से ऑफ भी कर सकते हैं, इसके ऊपर सिंपल सा प्रेस करेंगे और ये आपका टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑफ भी हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे आप जो है ऑन ऑफ कर सकते हैं। एंड ये यहाँ पे एक अपडेट और देखने को मिल जाएगा जो है कि YT स्टूडियो में से भी आप जो है यहाँ पे स्टेप वेरिफिकेशन को इनेबल कर सकते हैं। तो उसके लिए अगर आप प्रोसेस समझना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, उसके ऊपर हम डेडिकेटेड वीडियो आपको बना देंगे। तो ये आज की वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद करूंगा आपको समझ में आ चुका होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फिर से मिलेंगे किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।